नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं होम क्रेडिट कंपनी के बारे में। दोस्तों, काफी लोग एक कमेंट कर रहे हैं कि मैंने होम क्रेडिट कंपनी से लोन लिया था और मेरे पास रीजन है कि मेरा जॉब चला गया और बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे घर में आ गई, हम पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं। तो कंपनी वाले कॉल करके बोलते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है हम उसे खराब कर देंगे। दोस्तों चलिए आज हम आपको इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो क्या आपके संग हो सकता है, क्या आपको पेमेंट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर जो है कोई भी इतने आसानी से आपका नहीं खराब कर सकता। दोस्तों जब भी अगर सिविल ब्यूरो में आप पर रिपोर्ट होगा तो वहां ब्यौरा देना पड़ेगा कि कस्टमर जो है लोन EMI कैसे पेड नहीं किया, क्या रीजन था, कितना पैसा आपने लोन दिया था, क्या इंटरेस्ट था, सारा ब्यौरा वहां पे देने के बाद ही आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा। बट दोस्तों ऐसे नहीं कि कोई कंपनी जुबान से आपको धमकी दे दे कि आपका हम सिविल स्कोर खराब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इतना आसान बात नहीं होता है। हाँ दोस्तों, कुछ टाइम के लिए वहां पे आपका जो सिविल स्कोर है उसे होल्ड कर देते हैं, अगर आप पेमेंट कर दो तो बाद में वो सही कर देते हैं, ऐसा कुछ वो राजनीति लगाते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है पेमेंट का। दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मुझे बहुत सारा दिक्कत होगा और मेरा जो सिविल स्कोर है उसे डाउन कर दिया जाएगा और मैं प्रॉब्लम में कभी फिर अभी लोन नहीं ले पाऊंगा और मैं प्रॉब्लम में हो जाऊंगा। तो देखिए, अगर पेमेंट है तो आप पेमेंट करने की पूरी कोशिश करना। अगर दोस्तों पैसा नहीं है तो कंपनी कॉल आता है, आप होम क्रेडिट कंपनी को 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट शेयर कर दो और बोल दो कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों कंपनी फिर भी नहीं मानती है या दोस्तों अगर कंपनी आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देती है या कंपनी आपको बार बार सिर्फ धमकी देती है, दोस्तों आपको क्या करना है, ट्यूटर पे जाना है, वहां पे आपको ट्यूट करना है RBI को। इसके बाद दोस्तों आपको RBI को ईमेल करना है और लेटर भी लिखना है। दोस्तों आपका सपोर्ट 101% होगा और जब आप RBI को ईमेल करोगे तो RBI आपसे प्रूफ मांगता है कि आपको कंपनी ने क्या कहा। दोस्तों अगर आप ईमेल करोगे होम क्रेडिट कंपनी को 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेकर, तो उनकी तरफ से एक ईमेल आता है 2 से 3 दिन बाद, आपको उसको जो है कॉपी करके या स्क्रीनशॉट लेके आपको डाल देना है कि सर मैंने इनको ईमेल किया 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट लेके पैसा नहीं आ रहा है, मेरी फैमिली में मेरे परिवार में ये रीजन है, मैं पेमेंट करना चाहता हूँ बट थोड़ा मुझे और समय चाहिए, बट एक कंपनी सिविल स्कोर खराब करने की बात करती है, गाली गलौज करती, धमकी देती है, तो आपका 101% सुनवाई होगा। तो देखिए पैसा किसी का हो, हर इंसान, हर कंपनी, हर बैंक पैसा अपना लेने के लिए पूरी कोशिश करता है। बट दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस टाइम इस रीजन में आपके संग कोई 420 फ्रॉड हो, आपको गाली दिया जाए, आपसे पैसा लेने के लिए धमकी दिया जाए, तो सरासर गलत है। तो आप एक तरह से मत डरना और कोशिश करके आप जो है पेमेंट करने की कोशिश करना। अगर पैसा नहीं है तो मैंने आपको ये उपाय बता दिया। दोस्तों एक बात अपने दिमाग में आप बैठा लेना, आपको दोस्तों अभी नहीं डरना है। जब दोस्तों कोर्ट से पूरा फाइनली अपडेट आ जाएगा कि आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है और आपके सिविल स्कोर में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कब हो सकता है, जब कोर्ट ये बातें क्लियर कर देगा कि अब कस्टमर को मोराटोरियम 3 नहीं मिलेगा, ना लोन रिसेशन का ऑप्शन मिलेगा, जो कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा उसका अकाउंट NPA होगा। अगर ये बातें अगर कोर्ट से अगर क्लियर हो जाता है तब आपके सिविल स्कोर में कंपनियां जो है इफेक्ट डाल सकती है। बट दोस्तों अभी जब तक कोर्ट से ये बातें क्लियर नहीं हो जाता, अगर कोर्ट आज तो 5 अक्टूबर है, अगर कोर्ट और टाइम मांग लेता है या अगर सुनवाई हो जाता है क्लियर, तो फिर आप लोगों का जो समाधान है हो जाएगा और आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं सिविल स्कोर को लेकर काफी लोग टेंशन में होते हैं कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, फिर मैं कभी नहीं लोन लूंगा। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मान लो आज आपका सिविल स्कोर खराब हो गया और मान लो कल को आपके पास पैसा हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, दोस्तों जो पेमेंट का रसीद है, जो स्टेटमेंट आपने अगर UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आपने जिस थ्रू पेमेंट किया है, अगर आपने पेमेंट करने के बाद आपका पैसा अगर कंपनी को रिसीव हो गया और कंपनी अगर 1 महीने से लेके 90 दिन के अंदर अगर आपके सिविल स्कोर में अगर ये चीजें अपडेट नहीं करती है कि कस्टमर ने मेरा पैसा पे कर दिया,
तो दोस्तों आपको उस स्टेटमेंट को जो आपने पेमेंट किया था उसके साथ आपको RBI को ईमेल करना है और उनके ऑफिशियल साइट पर जाके या ट्विटर पर जाके आपको वहां पे डाल देना है कि मैंने कंपनी का पैसा पे कर दिया, फिर भी कंपनी मेरा सिविल स्कोर में ये चीजें अभी तक पेंडिंग छोड़ा, इसको नहीं हटा रहा है। जो आपका 101% एक हफ्ते के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जो पैसा आप पे नहीं करते हो कंपनियां क्या करती है कि आपके सिविल स्कोर में ऑडिट कर देती हैं, वो पैसा आपका तब तक वहां पेंडिंग रहेगा जब तक आप पैसा पे नहीं करोगे। इससे दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ भविष्य में जब तक आप धरती पे हो, जब तक आप जिंदा हो, कभी आप लोन नहीं ले पाओगे। जब आपका लोन अप्लाई होगा तो वहां पे आपका सिविल स्कोर वहां पे लो शो करेगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। बट दोस्तों आप ये मत सोचो कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है तो मुझे और कोई दिक्कत, दिक्कत कुछ और नहीं होगा, सिर्फ आपको लोन नहीं मिलेगा और आपका वो पैसा पेंडिंग पड़ा रहेगा। जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में तो फिर वो पैसा किस काम का हो, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसको माफ हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई सिक्योर लोन लिया है, आपने प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है, अगर आप नहीं रहते हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के सरकार या कंपनी पैसा अपना लेती है। बट दोस्तों जो अनसिक्योर में लोन में क्या होता है कि आपने खुद इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपने अपने ऊपर लोन लिया है और आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो पैसा आप नहीं दे पा रहे हो, तो उस हाल में अगर जब तक आप रहोगे तभी तक कंपनी आपको एक बार कॉल करके धमकी देके परेशान कर सकती है। जब आप नहीं रहोगे तो पैसा किसी से नहीं ले पाए, क्योंकि वो पैसा किसी और से लेने का उनके पास अधिकार नहीं होता, क्योंकि साफ साफ ये बातें वहां पे लिखा रहता है कि एक इंडिविजुअल लोन है और ये लोन आपने खुद के ऊपर लिया है और ये कंपनी अपने जिम्मेदारी पे ये लोन देती, ना कि कोई आपका प्रॉपर्टी, कोई जमीन देख के आपका लोन आपको देती है, आपका सिविल स्कोर और आपके ऊपर ये लोन मिलता है आपको कंपनी और बैंक से अनसिक्योर। बट दोस्तों आप लोग अपने दिमाग से ये बातें बाहर निकाल देना। और दोस्तों अगर कंपनियां ने आपसे बहुत ज्यादा ECS पेनल्टी चार्ज लिया है तो आप डायरेक्टली जो है RBI को ईमेल या ट्विटर पे जाके आप डाल दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बजाज कंपनी को काफी लोग गालियां देते हैं कि बजाज कंपनी मेरे संग 420 फ्रॉड किया, मेरे अकाउंट से बहुत पैसा काट लिया। बट दोस्तों मेरे पास कुछ प्रूफ आए हैं, लेकिन बजाज कंपनी ने काफी लोगों का जो ECS पेनल्टी चार्ज है उसे रिफंड किया है। तो ये बातें सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कैसे रिफंड हुआ है मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो आपको ट्विटर पे जाके डालना पड़ेगा कि मेरा जो ECS पेनल्टी चार्ज है प्लीज आप इसे रिफंड कर दीजिए। अगर आप ट्विटर पे अपना बैंक स्टेटमेंट अगर डालते स्क्रीनशॉट लेके तो आपका शायद जो है 99% उम्मीद है कि आपका रिफंड कर दें, बहुत कम चांस में आपका जो है ना हो, बाकी पूरा उम्मीद है कि वो कर सके। बाकी काफी लोग का हुआ है, मेरे पास काफी लोगों ने एक प्रूफ किया था और मेरे कुछ ऐसी बातें आई भी थी। तो दोस्तों ये पूरी सच्चाई थी जो आपको शेयर किया हूँ। तो अगर मैं आपको सही तरीके से बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।